व्हाट इज गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये वीडियो में जो गाइस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द वॉर्जोन मोबाइल। एंड इस वीडियो में जो गाइस मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिससे जो है आप जो गाइस ये गेम अपने डिवाइस पे कम टेम्परेचर पे जो है गाइस खेल सकते हो। ठीक है, अभी वो क्या है वो जो है गाइस आने वाले इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो पूरी वीडियो देखना। बट इस वीडियो में जो गाइस हम बात भी करेंगे अबाउट द इश्यूज जो यहाँ पे वॉर्जोन मोबाइल, अगर आप अपने मोबाइल में खेलते हो तो यहाँ पे जो है भाई मतलब आपका डिवाइस बहुत संकट में है। ठीक है, यहाँ पे जो गाइस कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। होपफुली जो है गाइस आप भी यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे की तरफ से। तो वीडियो को जो है स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू गिव इट अ लाइक। बट उससे पहले जो है बात करते हैं आज के वीडियो के स्पॉन्सर की। 25 दिन में पैसा डबल। सो ये वीडियो में मैं आपसे एक ऐप शेयर करने वाला जिसका नाम है यहाँ पे लैगो फास्ट मोबाइल बूस्टर। एंड ये जो है प्ले स्टोर एंड iOS पे दोनों पे अवेलेबल है ये सॉफ्टवेयर, जैसे इसका नाम है बूस्टर। एंड ऑल्सो गाइस VPN में भी काम आता है, तो अगर आप यहाँ पे वॉर्जोन मोबाइल खेलते हो तो आपके लिए बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत ही वैरायटीज ऑफ सर्वर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई इवेंट कंप्लीट करना है, अगर आपको कोई कैमो ग्राइंड करना है गेम के अंदर, एंड अगर आपको लोएस्ट से लोएस्ट पिंग चाहिए तो आपको वो भी मिल सकती है, या फिर आपको जो है बॉट लॉबी भी मिल सकती है। इन शॉर्ट इजी लॉबी जिसके अंदर बॉट्स की तादाद बहुत है एंड आप उनको मार के जो है गाइस यहाँ पे आप अपना जो इवेंट है जो टारगेट है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके साथ साइड बाय साइड आपको बहुत सारे सर्वर्स के ऑप्शन भी मिलते हैं, एंड अगर आपको पिंग मिलती है फिर जो है गाइस गेम प्ले एक्सपीरियंस भी जो है बहुत घटिया हो। तो उस कारण जो है गाइस अगर आप ये ऐप यूज करते हो तो इसके अंदर बहुत सारे आपको सर्वर्स देखने को मिलते हैं जो आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। एंड जैसे आप वो कनेक्ट होते हो लो पिंग वाले, तो आपको जो है गाइस पिंग भी लो मिलती है, एंड उसके साथ ऑफकोर्स गेम के अंदर भी जो है आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। गेम अच्छा चलता है, ज्यादा लैग नहीं मारता, एंड अगर आपको लो पिंग मिलती है तो FPS में भी बहुत फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, सो डेफिनेटली ट्राई मारना है। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जो है सबको इसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे जो है फ्री ट्रायल भी है इस सॉफ्टवेयर का, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट यूजर हो, अगर आप ये पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो किसी जीमेल अकाउंट से, तो आपको जो है यहाँ पे फ्री ट्रायल भी देखने को मिलता है। सो फ्री ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ये काम की चीज लगती है तो उसके बाद आप परचेस का प्लान कर सकते हो। सो डेफिनेटली ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जो है आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द वॉरजोन मोबाइल हीट मैनेजमेंट, या फिर इन शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है इस गेम के अंदर छोटे छोटे पैचेस वॉरजोन वाले रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वीकली पैच आ रहे हैं। अभी एक जो है 38 MB की पैच आके गई, अभी शायद से नेक्स्ट पैच मंडे को आ सकती है। यहाँ पे वीकली जो है छोटे छोटे पैच रिलीज करके जो है यहाँ पे जो है इश्यूज को फिक्स किया जा रहा है, यहाँ पे थर्मल्स को जो है कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसे ऑफिशियल्स कह रहे हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे आप लोग भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहे हैं, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है, मेरा डिवाइस उतना हीटअप नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव चेंजेस अगर आप इस गेम के अंदर देख रहे हो तो इट इज वेरी गुड थिंग। एंड आई थिंक अगर हम अभी परफॉर्मेंस की बात करें तो शायद से परफॉर्मेंस में भी जो है गाइस वॉरजोन मोबाइल काफी अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। जस्ट एक ही चीज में जो है गाइस अभी ये मार खा रहा है, जो कि है यहाँ पे हीटिंग। ठीक है, यहाँ पे लाइक जो मोबाइल को गर्म कराता है वो जो है गाइस यहाँ पे अनबेरेबल है, लिटरली अनबेरेबल है। जो बैकग्राउंड में गेम पे देख रहे हो वो भी जो मैंने अभी लेटेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, एंड उसमें भी जो है आप टाइम्स देख सकते हो 46 डिग्री पे ये गया, एंड दैट टू कूलर लगा के। ठीक है भाई, मतलब मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता विदाउट कूलर मेरे मोबाइल के टेम्परेचर कहां तक पहुंचेंगे, मैं ट्राई भी नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पे भाई ये डैमेज कराएगा। ठीक है, अगर आपका मोबाइल यहाँ पे ओवरहीट होता है, ओवरहीट अभी मुझे पता नहीं कौन सी कैटेगरी आप इसे पकड़ सकते हो, लेकिन मेरे लिए आई थिंक 45 के ऊपर अगर टेम्परेचर जाते हैं मोबाइल के तो फॉर मी दैट इज ओवरहीट। ठीक है, लाइक अगर 45 या फिर 44 तक है समझ जाना ओवरहीट के कगार पे है। ठीक है, 42-43 इट्स मैनेजेबल, उतना वार्म तो भाई अगर आप गेम खेल रहे हो तो भाई उतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, एंड मेरे पिछवाड़े में इतनी चुल होती है, मुझे जो भी गेम खेलना होता है मुझे जो है गाइस हाईएस्ट सेटिंग पे खेलना होता है भाई, चाहे टेम्परेचर कितने भी हो हाई सेटिंग पे अपने को गेम चाहिए। तो उस वजह से ऑफकोर्स ये भी जो वॉरजोन मोबाइल के आप जो क्लिप्स देखते हो मेरे वो जो है गाइस हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे होते हैं, एंड दैट टू विद 60 FPS। ठीक है, तो गेम प्ले जो है गाइस आप देख ही सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा चलता है। जस्ट एक ही कैटेगरी में मार खाता है वो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा राइज होते हैं, एंड ये टेम्परेचर जो है ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, अपने खुद डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो है बहुत सारे आप लोगों ने जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट मुझे भेज के जो है बताया कि भाई ये देख वॉरजोन जो है बहुत दिक्कत दे रहा है मोबाइल को। उसके बाद यहाँ पे कुछ आईफोन से रिलेटेड भी कुछ कांड हुए, वो भी जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको डिस्कॉर्ड वाले बताता हूँ, जो यहाँ पे एंड्रॉइड यूजर्स है, उन्होंने जो है यहाँ पे बहुत सारा बैटरी ड्रेन वाला जो इशू है वो यहाँ पे फेस किया है। भाई 10 मिनट में 20% बैटरी जाए, एंड ऊपर से मोबाइल तवा बन रहा है वो अलग बात है। एंड उसके एंड एक बंदे ने जो है कुछ ऐसा भी शेयर किया कि वॉरजोन जैसे वो इंस्टॉल कर रहा है उसका मोबाइल जो है 91 के ऊपर चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो वो भी एक स्थिति है। एंड रही अबाउट द iOS की, तो भाई अलग बकचोदी है, iOS का इतना गंदा है ना यार। मतलब ठीक है यार, iOS इट इज अ पावरफुल चिप जो iOS के अंदर है, लेकिन उसकी जो हीट मैनेजमेंट वो इतनी घटिया है। एंड उस वजह से जो है गाइस आईफोन के बंबू लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैटरी डैमेज होती है, बैटरी की हेल्थ डिक्रीज होती है, वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल बात है। वो अगर कोई अलग गेम भी खेलो एंड ओवरहीट हो जाए
सो वो प्रॉब्लम जो है गाइस नॉर्मल है, लेकिन जो है गाइस यहाँ पे एक यूट्यूबर है कंटेंट क्रिएटर, उसका जो है गाइस यहाँ पे सेम 14 प्रो मैक्स है, मेरा भी वही है। सो वो जो है गाइस अपने 14 प्रो मैक्स पे खेल रहा था एंड उसका जो डिवाइस है गाइस यहाँ पे कुछ तो भाई मतलब कुछ तो डिफेक्ट हो गया, उसको हार्ड रीसेट करना पड़ा एंड फिर भी जो है गाइस वो इशू सॉल्व नहीं हुआ। मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, उसकी स्क्रीन पे जो है गाइस कुछ तो व्हाइट ऐसे लाइंस आ गए राइट एंड लेफ्ट साइड में, तो भाई मेरे जो है गाइस देख के फट गई एंड मैंने जो है भाई मतलब बहुत पहले से ही जो है अपने आईफोन पे खेलना बंद कर दिया है। जो भी है मैं अपने सैमसंग डिवाइसेस पे ट्राई करता हूँ, जितना भी टेम्परेचर पहुंचना है, जितना भी यू नो R&D करनी है, सब जो है गाइस मैं अपने सैमसंग वाले डिवाइसेस पे करता हूँ। बिकॉज आई भाई पता है ना वो गाड़ियों के मामले में कैसे टोयोटा एक रिलायबल ब्रांड है, वैसे जो है मुझे लगता है मोबाइल फोन्स के कैटेगरी में एंड्रॉइड भाई रिलायबल है, ठीक है। iOS इन टर्म्स ऑफ हीट मैनेजमेंट बहुत घटिया है, अगर आपको खेलना है भाई कूलर लगा के ही खेलो एंड एंड्रॉइड वालों आप लोग के लिए भी कह रहा हूं कूलर लगा के ही खेलो। अगर वॉरजोन खेलना है कूलर इज मस्ट, कूलर इज कंपलसरी भाई। अगर आपको आपका डिवाइस डैमेज नहीं कराना है, बैटरी यू नो लाइक हेल्दी रखनी है, अच्छा खासा रखना है आपको डिवाइस लॉन्ग टर्म के लिए, तो भाई कूलर लगा के ही खेलना, वॉरजोन विदाउट कूलर खेलना नहीं। एंड मुंबई वालों मुंबई एडिशन आपके लिए जो है गाइस मैं एक तड़कता फड़कता जो है गाइस ट्रिक लाया हुई है, बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं ऐसे नहीं मुंबई वाले, बट अगर आपको वॉरजोन खेलना है मेरे साइड से जो है गाइस मैं आपको एक बेस्ट टिप सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे वॉरजोन खेलना जो मैं आपको अभी सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका डिवाइस केपेबल है यू गाइस कैन प्ले दैट, आप भाई बहुत कूल रखता है मोबाइल को, ठीक है बहुत ही ज्यादा कूल रखता है। एंड अगर आप ये ट्रिक यूज करते हो गाइस आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है गाइस एकदम छप्पड़ फाड़ मिलेगा, कॉन्स्टेंट 60 FPS भाई, डिवाइस 40 के ऊपर घंटा जाएगा नहीं, बट ये जो है गाइस हर डिवाइस के बस की बात नहीं है, ठीक है। जो भी गाइस इतना आज के वीडियो में बस आपसे यही चीजें शेयर करनी थी। बहुत सारे जनों के कमेंट्स आते हैं कि भाई गेम फिक्स हो गया है, लेकिन बहुत सारे जनों के ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि भाई 0% कुछ फर्क नहीं पड़ा अपडेट के बाद। सो गाइस किन-किन डिवाइसेस में किन-किन SoC में यू नो लाइक प्रोसेसर्स में ये चीजें जो है ये पैचेस जो है वो यहां पे अफेक्ट कर रहे हैं, किन-किन में नहीं होता, तो जस्ट वेट करते हैं जितने भी पैचेस आते हैं अपडेट करो। अगर आपको नहीं करना है कोई टेंशन नहीं, मैं जो गाइस अपने चैनल से यू नो वो सब चीजें कवर करता रहूंगा, रिव्यू करता रहूंगा वो छोटे-छोटे अपडेट्स। एंड आप व्यूअर्स भी जो हो गाइस अगर आपने ये गेम रखा है, अगर आप ये सब चीजें ट्राई आउट करते हो अपने डिवाइसेस पे, तो वो भी जो है गाइस कमेंट सेक्शन में आपके रिव्यूज दे देना। बहुत सारे जन कहते हैं कि भाई तू हाई एंड डिवाइस पे खेलता है, कभी लो एंड डिवाइस पे खेल के देख। भाई मैं खेल रहा हूं, ठीक है, अभी लो एंड डिवाइस मैं अपने ROG 3 पे खेल रहा हूँ, उससे लो मैं गया नहीं हूँ ना ही मुझे जाना है, क्योंकि आई नो भाई ये डिवाइस को तबाह कर देगा, ठीक है। मैंने अपने मम्मी के OnePlus 6 में इंस्टॉल किया, लेकिन मैं वो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि जो मैं स्ट्रगल कर रहा था ना भाई नहीं ट्राई करना चाहिए था, ठीक है। मेरा लिटरली OnePlus 6 जो है ना 5-6 मिनट के लिए फ्रीज हो गया था एंड मेरे भाई गोटे मुंह में आ गए थे, सच में कह रहा हूँ यार। तो मैंने जो है फिर से वो छोड़ दिया, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया अपने मम्मी के मोबाइल से, भाई मेरे को रिस्क ही नहीं लेने का, अगर कुछ हो गया भाई मैं घर से बाहर निकाला जाऊंगा। सो बस गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो चलिए तो लाइक कर देना एंड मैं मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, डलता है, ठीक है, एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Closing in. Ten remaining. Keep it up. No longer available. Make your actions count. Five left.